अभी हम मुख्य पॉइंट पर आए हुए हैं। अभी हमारा कार्यक्रम है भाषण प्रतियोगिता। तो भाषण प्रतियोगिता के लिए मैं जजेसों को नंबरिंग करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय फादर नीलम, परम आदरणीय फादर वाल्टर किसपोटा और श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे रांची धर्म प्रांत की महिला सभा नेत्री मिसेस मर्था टोपो, मैं आप लोगों को नंबरिंग करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जितने भी प्रतिभागी हैं वे मंच के बगल में आ जाएंगे। अपने भाषण को लेकर प्रस्तुत हो रही है ब्राम्बे पल्ली से आराध्य श्रेया एक्का। ब्राम्बे पल्ली से आराध्य श्रेया एक्का अपने भाषण को प्रस्तुत करने जा रही है। परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि फादर्स, सिस्टर्स, शिक्षक वृंद एवं मेरे क्रूसवीर साथियों, सबों को जय यीशु। तुम जगत की ज्योति हो। दिल की ज्योति कुछ ऐसे जल जाए कि पत्थर में भी मोहब्बत उतर आए। प्रार्थना है ईश्वर से कि ज्योति की रोशनी से आपके जीवन और परिवार से मुसीबतों का अंधकार मिट जाए। प्रभु यीशु कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु ने हमें आमंत्रित किया है कि हम क्रूसवीर के बच्चे प्रभु यीशु का आमंत्रण स्वीकार करें। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मैं इस संसार की ज्योति हूँ, जो कोई भी मेरा अनुसरण करेगा वह अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। ये वचन हम क्रूसवीरों के लिए बहुत ही आदर्श वचन है और इसमें चुनौती भी है। आदर्श इसलिए कि हम सभी बच्चे अपने माता पिता और परिवार के दीपक हैं, जिस तरह से यीशु अपने माता पिता और पवित्र परिवार का दीपक था। चुनौती इसलिए कि जिस तरह से यह संसार की ज्योति बन गया, वर्तमान समय में हमारा जीवन चुनौतियों से भरा है, कठिनाइयों ने हमें घेर रखा है। ऐसे कठिन समय में हम क्रूसवीरों का कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु के जीवित वचनों में लिपटे रहे और उसे कभी ना त्यागे। प्रभु यीशु की ज्योति को अपने हृदयों में ग्रहण करके अपने परिवार, समाज, राज्य और देश को भर दे, चमका दे। प्रभु यीशु ही जगत की ज्योति है। इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु ने हमें सही जीवन जीने के लिए, सही मार्ग अपनाने के लिए हम क्रूसवीरों को चुना है। क्या हम प्रभु यीशु की तरह किसी के लिए ज्योति बन सकते हैं? क्या हम प्रभु यीशु के दिखाए मार्गों पर चल सकते हैं? आइए हम क्रूसवीर प्रभु यीशु के दिखाए उस ज्योति के मार्ग में आगे बढ़ते जाए। यीशु के प्रेम की ज्योति हमारे हृदयों में हमेशा जलती रहेगी, युगों युगों तक ऐसे ही रहेगा जैसे दिया और बाती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बताने जा रही हूँ ज्योति। ज्योति की उपस्थिति में अंधकार भी प्रकाशमय हो जाता है। ज्योति खुद जलकर दूसरों को राह दिखाता है और ज्योति का एक अलग पहचान है, ज्योति का एक अलग स्थान है। यूँ कहें तो ज्योति अंधकार को बुझा सकती है, लेकिन अंधकार ज्योति को नहीं बुझा सकती। ज्योति का कोई स्वार्थी नहीं होता। अगर उसमें कोई स्वार्थी होता तो वह कहती, अरे मैं खुद को जलाकर दूसरों को प्रकाश क्यों दूं? लेकिन ज्योति में कोई भी स्वार्थी नहीं होता। वह सबों को प्रकाश दिखाती है ताकि लोग गड्ढे पर ना गिरे बल्कि राहों पर अच्छी तरह से चल सके। प्रभु यीशु खुद ज्योति होकर हम मनुष्यों को ज्योति कहा है, इसीलिए हम सब ज्योति की तरह जलते रहे, ज्योति की तरह चमकते रहे। जिस तरह ज्योति जलती है तो उसके प्रकाश छिपाने से भी नहीं छिपती, उसी प्रकार हमारे कार्य जैसे चाहे बुरे हो या भले छिपाने से कभी नहीं छिपते। इसीलिए हम जीवन में अच्छे से अच्छे कार्य करें जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित हो सके। दोस्तों क्या आप भी ज्योति की तरह जलना चाहते हैं, ज्योति की तरह चमकना चाहते हैं? तो पिता ईश्वर के बताए शिक्षा पर चलिए, अंधकार के सभी कार्यों को त्यागिए और प्रकाश के सभी कार्यों को अपनाएं, जिससे आप ज्योति की तरह चमकेंगे
और ज्योति की तरह जगमगाएंगे भी। अगर आप ज्योति की तरह जगमगाएंगे तो पिता ईश्वर भी आपसे खुश हो जाएंगे और आपको एक अच्छी ज्योति बनने का पिता ईश्वर आपको कहते हैं। इस वचन में प्रभु आप सबों को भरपूर आशीष दे। धन्यवाद। धन्यवाद रूपी नायक का मुखमंद्रो पल्ली। इसके बाद है नवाटाड़ पल्ली से अमीसा तिर्की। परम आदरणीय मांडर बिखारियट के डीन फादर प्रसन्न तिर्की, क्रूसवीर डायरेक्टर फादर, क्रूसवीर संचालक संचालिकाएं एवं मेरे क्रूसवीर साथियों, आप सभी को जय यीशु। मैं अनीसा तिर्की, क्रूसवीर तुम जगत की ज्योति पर अपना विचार रखना चाहती हूँ। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सभी लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करे। प्रिय मित्रों, यह मैं नहीं परंतु संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह स्वयं हमसे कहते हैं, हमारे लिए कहते हैं, आज हमारी तत्कालीन विचारधारा जो भी हो, परंतु पवित्र वचन हमारे जीवन के हर एक संदर्भ के लिए सर्वथा उपयुक्त एवं सार्थक है। योहन रचित सुसमाचार में ईसा मसीह फिर हमसे कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वस्तुतः संसार की ज्योति ईसा मसीह और उनके अनुसरण से ही हम ज्योति प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हम यीशु ख्रीस्त का अनुसरण कैसे करें। मेरे प्यारे मित्रों, संसार की ज्योति ईसा मसीह है और उनके अनुसरण करने एवं ज्योतिर्मय होने के लिए हमें उनसे सर्वप्रथम जुड़ने की आवश्यकता है। हम सभी क्रूसवीरों ने विगत 14 सितंबर को क्रूस विजय का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है। प्रभु की वली वेदी के सामने हमने कुछ नए करार किए हैं, कुछ ने उन करारों का दुहरावा किया है। साथ ही हमने क्रूसवीरों के चार हथियार प्रार्थना, परम प्रसाद, प्रेरिता एवं बलिदान के संबंध में भी अपनी तत्परता दिखाई है। तो आइए हम अपने पहले हथियार प्रार्थना का अवलंब लेकर परमेश्वर से जुड़े रहने का यत्न करें। मेरे दोस्तों, प्रार्थना ही वह हथियार है जिसके द्वारा हम त्रिएक ईश्वर से कहीं भी कभी भी जुड़ सकते हैं। प्रार्थना किसी स्थान, समय, व्यक्ति या परिस्थिति की मांग नहीं करता। अतः हम क्रूसवीरों के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि हम हर समय प्रार्थना में बने रहे। प्रार्थना ही हमें प्रभु के निकट ला सकता है। हम इस गंभीरता को समझे कि वर्तमान परिस्थिति में भी हमें प्रार्थनामय जीवन जीने की नितांत आवश्यकता है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रार्थनाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हम संत पापा एवं पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, माता पिता के लिए प्रार्थना करें, स्वयं के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी हर एक समस्याओं का समाधान हमारी प्रार्थना एवं ईश्वरीय अनुकंपा पर ही निहित है। गेतसेमनी बारी में यीशु ने प्राण पीड़ा की घड़ी स्वयं हम सभी से यह आह्वान किया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। मैं अनीसा तिर्की आज आप प्रत्येक से यही आह्वान करती हूँ कि हम प्रार्थनामय जीवन जिए। हम जब भी परम प्रसाद ग्रहण करें, योग्य रीति से ग्रहण करें, प्रेरिताई के कार्यों के लिए अपने दैनिक जीवन में अवसर ढूंढते रहे कि जब भी हमें अवसर मिले हम किसी की भलाई कर सके। इतवार और हुक पर्वों में पवित्र मिसा बलिदान में अपनी संपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें, तभी हम ज्योति के स्रोत के निकट आ सकते हैं। ज्योति का स्रोत त्रिएक ईश्वर ही हमें ज्योतिर्मय बना सकता है। स्थिति परिस्थिति जो भी हो,
हो, ज्योति का काम है अंधेरे में रोशनी फैलाना, भटके हुओं को राह दिखलाना, सीधे मार्ग पर चलना, वह अपने निकट आने वाले को भी ज्योतिर्मय करना। तो आइए हम प्रार्थना, परम प्रसाद, प्रेरिताय और बलिदान को आत्मसात करते हुए आजीवन यीशु मसीह का अनुसरण करें और संसार की ज्योति बने रहे। धन्यवाद। अनिशा तिर्की के जोरदार भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं खलारी की निकिता टोप्पो को आमंत्रित करती हूँ। क्रूसवीर, तुम जगत की ज्योति हो। श्रद्धेय फादर मांडर भिखारियट, क्रूसवीर निर्देशक, उपस्थित फादरगण, सिस्टरगण, सभी संचालक संचालिकाओं एवं मेरे क्रूसवीर दोस्तों, मैं निकिता टोप्पो आप लोगों के सामने क्रूसवीर तुम जगत की ज्योति हो के बारे में संदेश देना चाहती हूँ। मेरे प्यारे क्रूसवीरो, यीशु स्वयं कहा है योहान 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करेगा वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। क्रूसवीरो, ज्योति के ऐसे गुण हैं जो अंधकार को भगाती है और राह चलने वालों को प्रकाश देती है, जिससे सुरक्षित अपने मंजिल की राहों तक चल सके। अतः जो क्रूसवीर जीवन रूपी मंजिल में चलेगा उसे जीवन प्राप्त होगी। इसलिए आज अपने शिष्यों से और आज हमें कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। मत्ती 5:14-16 में, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पे छिपा नगर, पहाड़ पे बसा नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाते हैं पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से घर के सभी लोगों को प्रकाश देती है। उसी तरह तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता का महिमा करे। क्रूसवीर, हम क्रूसवीर जगत के ज्योति हैं। हम क्रूसवीर जलते दीपक की तरह हैं। जब हम अपने काम, बातचीत, व्यवहार, सेवा की भावना से ज्योति की तरह जलते रहेंगे, तो दूसरे लोग भी हमसे प्रभावित होकर यीशु जो स्वयं ज्योति है उनकी राहों में आगे बढ़ेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। क्रूसवीर, हम क्रूसवीरों के 4 हथियार हैं, प्रार्थना, परम प्रसाद, बलिदान, त्याग और प्रेरिताय। इन 4 हथियारों का प्रयोग हमें उचित रीति से करना है। तो कैसे हम इन 4 हथियारों का प्रयोग से करेंगे? पहला हथियार प्रार्थना। हम रोज प्रातः सोकर उठते ही प्रातः की प्रार्थना बोलेंगे। भोजन करते समय, सोने जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। संत पापा के मानसिक मनोरथों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। दूसरा, परम प्रसाद। हम रोज या हर रविवार को मिस्सा पूजा में भाग लेंगे और योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करेंगे। तीसरा, बलिदान त्याग। हम रोज कुछ ना कुछ त्याग करेंगे। चौथा, प्रेरिताय। हम अपने प्रभु यीशु नेता का वचन दूसरों तक पहुँचाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं अपने संदेश भाषण को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय यीशु। धन्यवाद निकिता आपके सुंदर भाषण प्रस्तुति के लिए। अब प्रस्तुत है लप्रापल्ली से अर्पित हुजूर द्वारा। श्रद्धेय फादर मुख्य अतिथि
एवं क्रूसवीर के संचालक गण, फादर सिस्टर शिक्षिकाओं और मेरे क्रूसवीर साथियों, आप सबों को जय यीशु। आज का मुख्य विषय है क्रूसवीर, तुम जगत की ज्योति हो। क्रूसवीर ख्रीस्त का सच्चा भक्त है जो यीशु के मार्ग पर चलता है। मैं अपने आप में गौरव का अनुभव करता हूँ कि मैं यीशु के राज्य का नन्हा क्रूसवीर हूँ। यीशु ख्रीस्त ने आपको और मुझे जगत की ज्योति कहा है, इसलिए हम क्रूसवीरों को ख्रीस्त की ज्योति में चलना है। ख्रीस्त की ज्योति है उनकी आज्ञाकारिता, पवित्रता, विनम्रता, प्रार्थना जीवन, सत्य, प्रेम, क्षमा, दया, ईमानदारी, त्याग का जीवन। ख्रीस्त की ज्योति हमें पाप का जीवन जैसे लालच, चोरी, झूठ, आलस, निंदा, शिकायत, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े आदि बुराई से विजय दिलाती है। आज हम क्रूसवीरों को यीशु ख्रीस्त की ज्योति को अपने घर, परिवार, गांव, विद्यालय, पारी, समाज, देश में फैलाना है, तभी हम क्रूसवीर जगत की ज्योति हैं। धन्यवाद। एकलौता मानर भिखारियट से अर्पित कुजूर को उसके सुंदर भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मांडर से ज्योति एक्का को अभिनंदन करती हूँ। क्रूसवीरों, आप लोगों को मेरी ओर से जय यीशु खुश पर्व। क्रूसवीर, तुम जगत की ज्योति। क्रूसवीर अर्थात यीशु ख्रीस्त के वीर। जगत की ज्योति मतलब दुनिया की ज्योति। बाइबल का वचन संत मती अध्याय 5 पद संख्या 14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रिय क्रूसवीरो, ज्योति की विशेषता क्या है? इसकी पहली विशेषता रोशनी या प्रकाश से है, जो हमें रास्ता अर्थात मार्ग को दिखाता है। आज के समय पर हमारे पास बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, जिस कारण हम रास्ते को देख सकते हैं और सुरक्षित चल सकते हैं। पुराने समय में हम देखते थे कि लोग आग, लालटेन एवं मशाल को लेकर चलते थे। वह इसलिए था कि उनको सही रास्ता या मार्ग की समझ रहे, वे रास्ता देखे और उसी में चले अथवा ना भटके। इसकी दूसरी विशेषता लाइट से है, अंधकार से नहीं। अंधकार को हमसे दूर करता है। सृष्टि की रचना के संबंध में हमें बाइबल बतलाती है कि एक ऐसा समय था जब जल के ऊपर अंधियारा था। सबसे पहला वचन परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। क्रूसवीरों, ये तो थी सृष्टि की बात, लेकिन जो बात प्रभु यीशु ने कही वह बात इंसानों के अंदरूनी हिस्से का भाग है। जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। संत योहन अध्याय 8 पद संख्या 12। इस कथन से प्रभु यीशु मसीह यह प्रकट करना चाहता था कि सत्य का, बुराई का एवं आज्ञानता का आत्मिक अंधकार है। वह इस अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं ज्योति बनकर आया और वह हम सभी क्रूसवीरों से यही अपेक्षा करते हैं कि इससे पहला वचन प्रभु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। पड़ोसी से प्रेम, तुमने सुना है दुश्मनों से प्रेम, मेरा कहना है तब ही तुम संतान परमेश्वर समान जगत की ज्योति हो। तुम्हारे भले और नेक काम चमके इस तरह मानो तुम जगत की ज्योति हो। आँख के बदले आँख बुराई का सामना है। जगत की ज्योति मैं हूँ, वह इसलिए हुआ। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु खुश पर्व। धन्यवाद ज्योति एका माडरपल्ली आपके सुंदर भाषण प्रस्तुति के लिए। अब मैं एंजेलिना किस्पोटा को आमंत्रित करती हूँ भाषण प्रस्तुत करने के लिए। इसके बाद में आधुनिक धार्मिक नृत्य के लिए लप्रापल्ली के क्रूसवीर बच्चे तैयार रहेंगे।
क्रूसवीर कोऑर्डिनेटर सभी पुरोहित गण सिस्टर गण धाम बंधु गण शिक्षक गण और मेरे प्रिय क्रूसवीरों सबों को जय यीशु वेरी गुड मॉर्निंग। मैं एंजेलिना किसपट्टा मैं आप लोगों के सामने तुम संसार की ज्योति हो यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में दो शब्द बोलने जा रही हूँ। सतमती अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 16 में प्रभु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ में बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं जहाँ से घर के सभी लोगों को प्रकाश मिलता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यीशु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। इसका क्या अर्थ है? हम जानते हैं कि ज्योति के कई गुण हैं। पहला, ज्योति हमें मार्गदर्शन देती है। दूसरा, ज्योति से हमें खतरे की जानकारी मिलती है। तीसरा, ज्योति से पेड़ पौधे या जीव जंतु की बढ़ोतरी होती है। चौथा, ज्योति अंधकार को भगाती है। ज्योति के बदौलत ही हम चीज़ों को देख सकते हैं। यदि यहाँ पर लाइट नहीं होता तो आप लोग मुझे देख नहीं सकते और ना ही मैं आप लोगों को देख सकती। रोमियो के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 12 से 14 में लिखा गया है, रात पर्याप्त बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हमें अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के शास्त्र धारण कर लेना है। यहाँ पर वचन बहुत स्पष्ट शब्दों में हमें बताता है कि किस तरह ज्योति को अपने जीवन में अपनाना है, किस तरह ज्योति के शास्त्र को धारण कर लेना है। सभी भोग विलास नशेबाजी और अन्य सभी बुराइयों को दूर कर जीवन को एक ज्योति वाला जीवन बनाना है। संसार में अंधकार की कई शक्तियाँ भरी हुई है। ख्रिस्त के अनुयायी होने के नाते हमें एक ज्योति वाला जीवन जीने का आह्वान है। तो आइए आज हम एक दीपक के समान जलकर दूसरों को प्रकाश देते रहें। धन्यवाद। जय यीशु। धन्यवाद एंजेलिना किसपट्टा सिद्रोलपल्ली। इस प्रकार हमारा भाषण प्रतियोगिता समाप्त होता है। तो अभी मैं पुरस्कार वितरण के लिए हमारे डायरेक्टर परमादरणीय फादर इरिनिस क्रिकेटा को आमंत्रित करती हूँ। आपका दिल धक धक कर रहा होगा ना, तो सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा प्राइज है, सबको अच्छा नंबर लाए हैं, आप बधाई के पात्र हैं। तो आप लोग प्राइज सुनने के लिए तैयार हैं? कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया सुनने के लिए तैयार हैं? तो भाषण प्रतियोगिता में थर्ड नंबर पर आए हैं कौन होंगे? कोई 229 अंक लाकर ब्रांबे भाषण प्रतियोगिता में, तो आप प्राइज लेने के लिए आ जाएंगे। तालियां। और भाषण प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर हैं 236 अंक लाकर नवाटाड़, जो भाषण दिए वही आएंगे ना। और पहले स्थान पर कौन होंगे? पहले स्थान पर 241 अंक लाकर सिद्रोल। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब दिल धक धक कर रहा है